अकलेरा नगर में संघ की देव दुर्लभ टोली ने नगर की 6 बस्तियों गाड़ोलिया, कालबेलिया, हरिजन, मेघवाल, साकिया व बागरी बस्ती में स्वयं सेवकों की टोली ने उनके बीच जाकर सामाजिक समरसता का अभाव जगाए हुए होली पर्व को धूमधाम से मनाया। धुलुंडी के दिन लोगों ने जमकर उड़ाया रंग, अबीर गुलाल, जिसके चलते लोगों ने सभी भेदभाव बुलाकर एक दूसरे के रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं होली के त्योहार पर भी लोगों ने कोरोना को भूलकर जमकर होली के रंग खेले। हालांकि लोगों ने सावधानी बरती, लेकिन जितनी सावधानी बरती उतनी ही शिद्दत के साथ लोगों ने जमकर होली खेली। बच्चे भी होली के रंग में जमकर धमाल मचाया, जिसके चलते बच्चे भी होली के त्योहार को एक दूसरे को रंग लगाकर बनाया। बाजारों में होली का रंग फीका रहा, लेकिन गली मोहल्ले और कॉलोनियों में होली परवान पर दिखी। हाईवे पर सड़कें सूनी रहीं, हालांकि जिसके चलते इक्का दुक्का वाहन सड़कों पर नजर आए। वहीं कानून व्यवस्था भी माकूल रही, जिसके चलते नगर में पुलिस का जाप्ता तैनात रहा। विशेष पूजा अर्चना के साथ किया होलिका दहन पावटा। होली के पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह व उमंग दिखी। नगर की महिलाएं आज सवेरे से ही मंगल गीत गाते हुए कस्बे के मुख्य बाजार स्थित होली चौक पर होलिका पूजन के लिए पहुंच रही थी, तथा पूरे दिन भर लोगों ने कस्बे के मध्य घर टावर चौक पर डम ढोल बजाकर मंगल गीत गाते हुए नाच गाकर होली की खुशियां मनाई। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शर्मा पटेल ने बताया कि नगर में प्राचीन काल से ही होली के त्योहार पर ऐसे ही ढप ढोल आदि के साथ नाच गायन का प्रोग्राम होता रहा है, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव से भी लोग आते हैं। पहले यहां होली पर नगर वासियों के द्वारा स्वांग, नाटक आदि के कार्यक्रम भी किए जाते थे, जो आकर्षण का केंद्र रहता था। सायंकाल को गौधूली वेला में नगर के प्रमुख गणमान्य लोगों की मौजूदगी में विशेष पूजा अर्चना के साथ होलिका दहन किया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि निर्मल पंसारी, जगदीश ओला, बद्री प्रसाद चौहान, वार्ड पंच विजय गुप्ता, वार्ड पंच विकास पुजारी, संजय गोयल, मोटू गढ़वाल आदि ग्रामवासी मौजूद रहे।